भद्र योग के फल बता रहे थे, एक श्लोक हो गया था, शंकासि कुंजर गदा कुसुमेश केतु चक्राब्जलांगल विचिन्हित पाणिपाद यात्रा गजेंद्र मदवारी कृतार्द्र भूमि ही सकुंकुम प्रतिमगंध तनु सुघोष सकुंकुम कु नहीं है वहां। उसके हाथ और पैर में कैसे चिन्ह होते हैं जो भद्रयोग में जन्म लेता है वो बता रहे। उत्पन्न व्यक्ति के हाथ और पैरों में ये सब दिखेंगे, शंख असी मैंने तलवार, शंख का चिन्ह बना रहेगा, तलवार बना रहेगा हाथ और पैर में। पैर में भगवान के चरण पादुका को आपने देखा है, चिन्ह नहीं बनाए रखते हैं, 19 चिन्ह बताए जाते हैं उसमें। तो ये चिन्ह होते हैं शंख तलवार कुंजर, कुंजर मने हाथी, गदा मने गदा, गदा नहीं गदा जो मारने वाला गदा, और कुसुम, कुसुम मने पुष्प, इशु बाण, केतु मने पताका, चक्र मने सुदर्शन चक्र, अब्ज मने कमल, लांगल मने हल जिसे जोता जाता है खेती, इनसे विचिन्नित विशेष तौर पर चिन्हित पाणिपाद हाथ पैर होता है। यात्रा और उसके शरीर से कहते देखो सक कुंकुम प्रतिमा गंध तनु सुगोष, उसके शरीर से उत्तम कुंकुम से के समान अत्यंत सुगंध निकलते रहता है। प्रतिमने समान सदृश, सत मने श्रेष्ठ, कुंकुम अरे असली जो कुंकुम होता है हल्दी के गांठ से बनता है और राजस से, तामस है नकली कुंकुम। सात्विक कुंकुम तो पेड़ के फल में लगता है, लाल लाल फल सा रहता है और फल को हाथ यूं करते हैं और उसको यूं यूं करेंगे तो अखबार आदि पेपर किसी भी पन्नी पे निकाल लो, एक फल होता है वो इसी मौसम में आता है, जनवरी पर दिसंबर जनवरी में। ये लक्ष्मण जाल से चतर जाओ ना नीलकंठ के रास्ते कई पेड़ लगे हुए हैं, जंगली पेड़, उसके फल के ऊपर लगा रहता है छिलके के ऊपर लाल पाउडर, प्राकृतिक कुंकुम है वो, प्राकृतिक है वो, सात्विक कुंकुम मान जाते सर्वश्रेष्ठ। दूसरे नंबर में जो रजोगुणी है हल्दी के गांठ से जो बनता है, और तीसरे में तो आप जानते हैं रासायनिक चीजों से बनता है, केमिकल से। तो कहते उस कुंकुम के सत कुंकुम से विशेषण दिया, जो प्राकृतिक है सात्विक है श्रेष्ठ कुंकुम है, उसमें जैसा गंध होता है तादृश प्रमित उसके जैसे उसके सदृश गंध वाला उसका शरीर होता है जो बालक भद्र योग में जन्म लेता है। सुघोषहा, और उसकी वाणी बहुत ही मधुर होगी, और जब यात्रा काल में चलने लगता है यूं मानो गजेंद्रों के मदस्राव से भूमि गीली हो जाती है जैसे, वैसे उसकी चाल से होता है। यात्रा काल में गजेंद्र मदवारी कृतार्द्र भूमि ही, गजेंद्र के मद जो सर से निकलता है ना मद विशेष हाथी का, उसके जल नीचे टपकता है उससे जैसा भूमि गीली हो जाती हो, मदमस्त चलता है उस समय जब उसके सुगंध आता है ना, वो अपने नियंत्रण से बाहर हो जाता है हाथी। उसके जल से जिस प्रकार से पृथ्वी सींच गई हो जैसे उस प्रकार का भूमि हो जाता है, श्रेष्ठ भूमि माना जाता है, वैसे भूमि हो जाते इस बच्चे के चरण जहां पड़ जाता है। जब महात्मा कहते हैं आपका चरण डाल दीजिए, आप पधारो, आपके चरण पड़ते ही हमारा दुकान चार गुणा हो व्यापार होगा, नहीं 10 गुणा व्यापार होगा, ये सोचता आदमी अपना घर द्वार फलेगा फूलेगा घर पे ले जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये किसी किसी के चरण ऐसे होते हैं, तो यह भद्र योग में पैदा होने वालों का ये स्थिति बनती है। हैं शरीर में हाथ में हथेली में देखिए कहीं पे दिखता है क्या निशान जो है ना, हाथ हथेलियों में और पैर में नीचे पैर में, कहीं जांघ जुंग गई घुटने उठने में सब थोड़ा होता है।
ऐसे नहीं है, हथेली में होता है अंगुली के किनारे देखते शंख, शंख और चक्र यहां देखी जाती है कोने में, हर चीज की चिन्ह यही मिलेंगे आपको, सब हथेली में ही मिलता है, पैर के भी निचले भाग में ही मिलता है, ऊपर नहीं इधर उधर नहीं। संभ्रो योगो अतिमतिमान खलु शास्त्र वेत्ता मानोपभोग सहित अपिगूढ़ गुह्यः सत्कुक्षि धर्म निरता सुललाट पट्टो धीरो भवे दशित कुंचित केश पाशः। ये शकवरी छंद में वो दोनों शार्दुल विक्रीडित था और ये जो है शकवरी में लिया, आठ छ आठ छ आठ छ अंत में सात सात, चौदह चौदह अक्षर वाला पाद होता है। संभ्रो योगो अतिमतिमान आठ अक्षर है, खलु शास्त्र वेत्ता छह अक्षर है। और कैसे होता है, उसे दोनों भवें अत्यंत सुंदर होते हैं, सम्यक है भ्रू युगो और अतिमतिमान अत्यंत बुद्धिमान होता है, और निश्चित रूपेण वह शास्त्रों को जानने वाला होता है, शास्त्रवेत्ता। मानोपभोग सहित अपि निगूढ़ गुह्यः, इतना ही नहीं सम्मान और भोग सकल सामग्रियों की सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी वह अपने आप को छिपाए रखता है, रहस्य बनाए रखता है, निगूढ़ और गुही भी कर देता है, छिपा के रखना और रहस्यमय रहना, इस तरह से रहने वाला होता है। सत्कुक्ष धर्म निरतः सुललाट पट्टो, और सुंदर कुक्ष धर्म निरतः, और उसके जो पार्श्व भाग है वो अत्यंत सुंदर होता है, सुडौल होता है, कुक्ष देश है ये जो आकार है यहाँ का वह सुंदर लगेगा। सत्कुक्षी और क्या है, धर्म निरतः, वह अत्यंत धार्मिक होगा, धर्म में संलग्न रहने वाला और सुंदर ललाट वाला, सुललाट पट्टो, ललाट पट्ट इसको कहते हैं, ये भी बड़ा चौड़ा सुंदर होगा। एवं साथ साथ धीरो धैर्यवान भवेद, और उसके बाल असित कुंचित केश पाशः, काले 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 घुंघराले बालों से युक्त वह भद्र में योग में पैदा वाला पुरुष, स्त्री या पुरुष हो, उसका शरीर इस प्रकार का होता है। और भी दो श्लोक है भद्र के बारे में, यह अनुष्टुप में ले रहे, स्वतंत्र सर्व कार्येषु स्वजनम प्रतिनक्षमी भुज्यते विभवस्तस्य नित्यम मर्ते जन ही परैहि। भद्र योग में जो पुरुष जन्मता है उसके कैसा होता है, सभी कार्यों में सर्व कार्येषु स्वतंत्र, सब कार्यों में स्वतंत्रता पर काम करने वाला होता है। स्वजनम प्रति न क्षमी, यानी आत्मीय जनों को कभी क्षमा नहीं करता है, स्वजनों से गलतियां कुछ हो जाए उसको कभी क्षमा नहीं करता। स्वजनम प्रति न क्षमी भुज्यते विभव, लेकिन परंतु अन्य जितने भी धन आदि है उनके बड़े इच्छुक लोग भी जो होते हैं, अर्थि जनैर परीर भी नित्यम एव तस्य विभव भुज्यते, अन्य जो लोग हैं जो धन के इच्छुक, अर्थि जन मने धन के इच्छुक लोग, पर ही अन्य ही वो लोग भी उसकी संपत्ति का उपभोग कर लेंगे, यानी अपने बच्चे आए जो गलत हैं उनको क्षमा भी नहीं करेगा, उनको भोग नहीं देगा, उनको ऐश्वर्य नहीं देगा, दूसरों को भले बांट देगा अपने बेटे को नहीं देगा। हम लोग हरिद्वार में जब रहते थे देखे थे एक महिला, बहुत परेशान थी, आई है हमारे पास, वहाँ चक्कर तो ज्योतिष का चल रहा है तब से, अभी तक राहु केतुओं को देखते रहता हूँ किस पर कैसे सवार हो रहे हैं, क्या लीला रच देते हैं, उसकी शनि की भाषा चल रही थी, बहुत भयंकर स्थिति था, तीन तीन बेटे रहते हुए कोई भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं था, वो कभी किसी मंदिर में सो रही है, कभी कहाँ सो रही है, कहीं कहाँ सो रही है, और सारी संपत्ति का मालिक कोई है उसके नाम पर, फिर भी एक दुष्ट लड़के को रखने को तैयार नहीं। ऐसे में किसी ने दक्ष प्रजापति मंदिर में एक दिन सोई होगी, वहां से उठाकर मेरे पास लाए, अरे रास लगे,
मैंने कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन लिख दो और तीनों बेटों को बेदखल कर दो सर्वसंपत्ति से, अखबार में छाप देंगे, करना कुछ नहीं, इतनी बहुत है। अच्छा तो कहाँ देना पड़ता है? अरे कुछ नहीं, एप्लीकेशन मेरे को दे दो। हाँ दोगे इधर उधर अधिकारी के पास, कोई एक्शन ले ले तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास दे दो। हमने लिखवाया, हस्ताक्षर करा दी, दो चार अखबार वालों को बुलाया, मैंने कहा छाप दे भाई, युक्ति से मुक्ति। जैसे छप गया, हल्ला मच गया शहर में पूरे, अरे हरिद्वार मेरी, ये जो बड़े बड़े व्यापारी व्यापारी थे, बड़े पैसे वाले थे, अरे तीनों को बेदखल दिए गए, दखल कर दिया माने, अब तो इनकी संपत्ति गई, दुकान गया, हल्ला मच गया मार्केट में। अब ढूंढने लगे माँ का है, माँ का परेशान हो रहे, ढूंढो माँ को। अब एड्रेस वड्रेस कुछ नहीं दिया था उसमें, अखबार वालों को जब दिया, हरे राशन में रखा हुआ था उसको। अरे गंगा की बड़ी वो भक्त थी, आओ गंगा चली गई, सान सान के आश्रम गंगा में गई, वहां से निकल रही थी, उनके एक बेटे ने देख लिया, वो पैर पे पड़ गया, रोने लगा, दुनिया भर चलो चलो ऐसे नहीं, ये नहीं वो नहीं। अब तीनों बेटे सर पर रख लिया माँ को, हमारे यहाँ रहोगी दो दिन, वहां रहेगी दो दिन, वहां रहेगी, सारी सुविधा सेवा होने लगी खूब अच्छी तरह से। करीब 10 दिन बाद आई, बोले स्वामी जी आपने तो कमाल कर दिया, कहीं चक्कर ना कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, सब ठीक हो गए। मैंने कहा आप बेदखल क्या मान जानते नहीं थे ना, देख लेना कमाल, अभी सब वैभव सब दूसरे खा जाएंगे। मैंने ये कहा ये करो, सारे मत दो किसी को भी, तुम दूसरे को दे दो, ये नालायक है। बेदखल पर सब अकल सही हो गया। इसीलिए युक्ति से मुक्ति करनी पड़ती है, इन ऐसे भी होते हैं, वही बता रहे, उसके धन दौलत दूसरे खा रहे हैं, इन अपने स्वजनों पे वो क्षमा भी नहीं करता, उन्हें कुछ नहीं देता है। भारम तुलायाम तुलये प्रयत्न ही श्रीकाण्यकोपचाधिपतिर् भवेत् सह भद्रोद्भव पुत्र कलत्र सौख्य जीवेन्द्रपाल शरदामशीतिम। जीवित ड्री पाला होना चाहिए, वह है क्या जो भी है पाला बनाओ उसका। भारम तुलायाम तुलयेत प्रयत्न ही, भद्रेव उत्पन्न जो व्यक्ति है वह सबसे पहला फल श्री कांड कुब्ज आदिपति भवित, कांड पुज कुब्ज मैंने कन्नौज आदि क्षेत्र का अधिपति होता है, तथा प्रयत्न पूर्वक सोने की विशेष मात्रा को तराजू में तौल कर ग्रहण करने वाला होता है। तुलाया मने तराजू, तुलयेत स्वप्रयत्न ही भारम, भार मने भार का तात्पर्य सोना, सोने के एक ना विशेष का नाम भार है, इसे तोला वगैरह होता है भार बोलते हैं। उतने सोने को मने अधिक सोने को नाप के तराजू में नापने वाला और ग्रहण करने वाला होता है जीवेत नृपाल, और वह शरदा नहीं पुत्र कलत्र सौख्य, पुत्र एवं कलत्र में स्त्री के सुखों से संपन्न रहता है, और ऐसे उस राजा की आयु कुल मिला के कम से कम 80 हुआ करता है। अशीति शरदाम आयु, जीवेत जीवेत मैंने उसका जो आयु है जिंदा रहेगा 80 साल तक कम से कम जिएगा, ये भद्रा का फल हो गया। भद्रा भद्रयोग, भद्रयोग का मतलब हो गया बुध को लेकर के जो रहेगा अपने स्वराशि में उच्च राशि में 3 और 6। पहले था मंगल को लेकर के रुचक योग, रुचक योग क्या था 1 और 8 उसकी अपनी राशि, और केंद्र में मकर को लिया था 1, 8, 10 लिया था, 3 और 6 का हो गया। और अब आ रहा है यहां गुरु का, जो महापंचक योग में गुरु क्या होता है 9 और 12 अपनी राशि उच्च राशि, और केंद्र हो गया उसके लिए कर्क 4, 9, 12, 4 में गुरु हो तो बनता है हंस योग। उस हंस योग का फल बताने जा रहे हैं, रक्तास्योन्नत नासिका सुचरणो हंस प्रसन्नेन्द्रियो गौर पीन कपाल रक्त करजो
हंसस्वन श्लैष्मिकः शंकाब्जांकुश मत्स्य दाम युगकैः खट्वांगमाला घटैः चंचत्पादकरस्थलो मधुनिभे नेत्रेषु वृत्तं शिरः। हंस योग का फल बता रहे, देखिए उत्पन्न जो व्यक्ति होता है वो कैसे होता है, रक्तास्य लालिमा युक्त चारा, तांबे का जैसे चारा लाल 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 चमकते रहेगा। और उन्नत नासिका, ऊपर उठा हुआ नासिका, नासिका यूं ऊपर की उठा हुआ है, अधिकतर लोग नीचे हो जाए किसी का बिल्कुल ही होता है तोता का जैसे, इसलिए ऊपर उठा हुआ है। उन्नत नासिका सुचरण सुंदर चरण होते हैं, हंस प्रसन्नेन्द्रिय हंस के समान प्रफुल्लित प्रसन्न चित्त इंद्रियों वाला होता है। गौरह शेष शरीर गौरवर्ण है, पहले चेहरे पे लालिमा है, पूरा शरीर गोरा गोरा है। और पीन कपाल विस्तीर्ण ललाट वाला, रक्त कर जो लाल रंग की अंगुलियां, अंगुलियों में खून की प्रवाह अधिक है, लाल लाल सा होता है, इसीलिए खून की कमी नहीं इसके पास, चेहरे में देखो अंगुलियों में सब लाल लाल। हंस स्वनः हंस के समान वाणी भी, किंतु कफ प्रधान प्रकृति वाला होगा, खांसी जुकाम होते रहेगा उसको। श्लैष्मिकः माने कफ रोग से युक्त रहेगा। और हाथ पैर आदि में चिन्ह क्या क्या होंगे, शंख अब जो मैंने कमल, अंकुश मत्स्य मन, अंकुश मैंने अंकुश, मत्स्य मैंने मछली, दाम मैंने रस्सी युग कई ही, मत्स्य दाम मैंने रस्सी युगल वीणा, खटवा और खटवांग भी है, खटवांग माला माला एवं घटई ही घड़ा कुंभ, कुंभाकार चिन्ह बना रहेगा उसका, नहीं नहीं घटा घड़ा कलश। चंचत्पादक रसतलो मधुनिभ, और कहते हैं इन चिन्हों से सुशोभित होता है उसका हाथ और पैर, पाद करस्तलो इनसे चंचत, इन चिन्हों से चिन्हित होता हुआ चमकता हुआ रहेगा। मधुनिभे मधु के समान, और उसके आंखें नेत्रे मधु शहद के रंग के समान रंग वाला उसके आंखें होते हैं। और सुवृत्तं शिरः सिर गोलाकार, लोग कहते चंद्रमुखी से चारा ही पूरा गोलाकार सिर पूरा रहेगा, वाक्य में गोल रहेगा। 12-7-19 शार्दुल विक्रीडित छंद था, और अब आए फिर इंद्र वज्रा 11 अक्षर वाला छंद। जलाशय प्रीति रतीव कामी नयाति तृप्तिम वनिता सुनूनम औक्षम रसाष्टांग सम्मितंतात तनोस्तथा आयुमितिरत्र षष्ठी। जलाशय में प्रीति रतीवक भवती, जलाशयों में अधिक आनंद लेने वाला होता है, अनुभव करने वाला होता है, नदियों में तैरेगा, तालाबों में तैरेगा, कूदेगा, मजे लेगा पानी में, अत्यधिक कामी होता है, अतीव कामी, पानी का प्रेमी और पानी में मछलियों जैसे वो भी कामी हो जाता है, अतीव कामी। दुनिया में सबसे कामुक जंतु कौन है, माना जाता है मछली, बहुत अंडे देता है, एक साथ हजार हजार अंडे देते, पता ही नहीं चलता, ठिकाना नहीं, निरंतर भोग चलता उनका, तो इसलिए अत्यंत अत्यधिक कामी होता है। और नयाति तृप्तिम, यहां थोड़ा गलत छपी है कुछ इसमें, अत्यधिकं कामी के बाद क्या है चिन्ह, हिंदी में कॉमा होना चाहिए ना, यहां अत्यधिक कामी है वो। नयाति तृप्तिम वनिता सुनूनम, निश्चित रूप से स्त्रियों से कभी भी वह तृप्त न होने वाला व्यक्ति होता है। औच्यम कह दिया, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, रसाष्ट, रस मैंने छ, अष्ट मैंने आठ,
86 अंगुल ऊंची शरीर होगी, 86 अंगुल, अगर 60 अंगुल मानते हैं ज्यादा लंबा रहता है, एक आध फुट ज्यादा है, 12 अंगुल एक फुट अंदाज मान के चलते हैं, दुबले पतले का नहीं, बढ़िया हृष्ट पुष्ट वाला है, अंगुली मोटे मोटे होते हैं ना, एक एक इंच के जैसे, वो इसलिए 12 अंगुल एक फुट मानते हैं। अब ये 7 फुट से ऊपर हो गया, 86 अंगुल माने 6.5-7 फुट का मान, और ऊंचे शरीर वाला होगा रसाष्टांगुल सम्मितम औच्यम, माने ऊंचाई जो है 86 अंगुल से के बराबर होता है, समझो। तत्तनो क्या होता है वो उतना ऊंचा उसका जो शरीर, तथा आयुर मिथि आयु के जो नाप है कितनी है वो षष्ठी रत्र, इस व्यक्ति के विषय में 60 साल अधिकतम आयु होगा, न्यूनतम समझो। यह भी उच्च पदों में बैठने वाला बनता है, देखो बालिक देशा आदर शूर सेना गांधर्व गंगा यमुनांतरालान भुक्त्वा वनांदे निधनं प्रयाति हंसोय मुक्तो मुनि भी प्रमाणे, ओकार मात्र शब्द कट गया हंसो का। बालिक देश और शूरसेन देश, गंधर्व देश, गांधर्व आदि प्रदेशों का वह मालिक होकर के रहता है या उनके स्वामी होकर भोग करने वाला था, अधिपति होकर रहता है, एवं गंगा और यमुना के अंतराल प्रदेशों का भी वह अधिपति होकर रह सकता है, इन सबको भोग करने वाला होगा, और सबको विभिन्न पदों में रहकर भोग करने के बाद भुक्त्वा वनांते निधनं प्रयाति, इन निवास करने वाला अथवा इन स्थानों का अधिपति आदि होकर के भोग करने के पश्चात वह हंस पुरुष का घोर वन में निधन हो जाता है। हंस योग में पैदा हुआ मनुष्य सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चला जाता है और जंगल में उसका अंतिम समाप्ति होती है, संस्कार समाप्त होगा, मर जाएगा वहां पर। हंसो अयम मुक्तो, इसलिए उसको कहा भी है वो हंस के समान ही होता है, निर्लिप्त रहता है, किसी से भी निर्लिप्त नहीं, विवेक पूरा है, विवेक यही है ना, उसे पता है संसार क्या है, जब तक अधिकार था तब तक अधिकार इस्तेमाल की, जब रिटायर्ड हो गया सेवानिवृत्त हो गया तो सब छोड़ के जंगल चल गया भजन करने के लिए, ये नहीं कि वहीं पढ़ा रहेगा नाते पोते के चक्कर में, उनके भी बच्चों के चक्कर में आ मरण पर्यंत घर में सड़ते रहते हैं आजकल के लोग, वैसे नहीं, जंगल चला जाएगा वहीं अपना शरीर को त्याग देगा। इसलिए हंसो अयम मुक्तो, ऐसे व्यक्ति को ही जो है मुनियों के द्वारा, मुनि भी प्रमाणी मुनि वचन रूपी प्रमाण के द्वारा यह कहा गया है, निश्चित रूप में व्यक्ति महान विवेकी है, और महान विवेकी से भी परम विवेकी परमहंस हो जाता है। आजकल सब परमहंस दीक्षा ले लेते हैं, परमहंस कोई होता नहीं है, हंस भी नहीं है, परमहंस क्या होंगे। अब हो गया आपके हंस योग का फल, अब शुरू होता है मालव्य योग का फल, जो शुक्र राशि शुक्र ग्रह का है, जो उसकी अपनी राशि है 2 और 7, और केंद्र उसका मेष बताया था, मेष रूपी केंद्र, इन 3 स्थान में रह करके जो योग बनता है उसका नाम था जो है मालव्य योग, उसका फल बताने जा रहे हैं। अस्थूलौष्टोप्य विषम वपुर नैव रक्तांग संधिर मध्ये क्षाम शशिधर रुचिर हस्तिनाश सुगंध सदीप्ताक्ष समिति विदितो जानुदेशाप्त पाणिर मालव्यो अयम विलसति नृपः सप्ततिर्वत्सराणाम। 10 और 7 17 अक्षर वाला यह जो है छंद है, प्रत्येक पास 17 अक्षर है, 10 और 7 विभाग में पाठ करना है। मालव योग उत्पन्न जो व्यक्ति है वो कैसा होता है, अस्थूलोष्ठो, उसके होंठ अस्थूल में स्थूल नहीं होते, मैंने पतले पतले होते, अफ्रीका के लोगों के क्या होते होंठ मोटे मोटे होते, नहीं चिंपांजियों के जो होंठ जैसे, और ये भारतीय जैसा लगता है, भारतीय में पैदा होगा दुबले पतले होंठ होंगे, यहां भी लोग ऐसे बड़े मोटे होंठ वाले भी पैदा होते हैं। ये अस्थूल मैने अत्यंत पतला सामान्य होंठ वाला होगा,
अविषम वपुर, और वपु मैंने शरीर, वो भी कैसा है, अविषम, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सम है, बड़ा सुंदर सुडौल शरीर है। और रक्तांग संधिर मध्ये क्षामा, अंगों की संधिया लालिमा से रहित होंगे, रक्तांग संधिर अंग संधिया लाल रंग के संयुक्त होंगे, उनके मध्य में क्षामा शिशिदर रुचि, मध्य भाग में मैंने कटी भाग उसका क्षाम मैंने पतला होता है, शशिधर रुचि चंद्रमा के समान कांति वाला होता है, हस्तिनाश सुगंड, हस्ति के समान दीर्घ नासिका वाला, सूंड जैसे नासिका वाला, लंबे नासिका वाला होगा, और गंड कैसा है, सुगंड सुंदर कपोल वाला होगा, सदीप्ताक्ष हो सुंदर जो है तीक्ष्ण आंखों वाला होगा, उसके आंख से मिला के आंख लगा के देखना बड़ा मुश्किल होगा, डर लगेगा आदमी को, ऐसा तीखी आंख होंगे, तीक्ष्ण आंखों वाला होगा, और ऐसा होता है समिति विधि तो संगठन या संस्थाओं के माध्यम से वो दुनिया में विख्यात हो जाता है, जानु देशाप्त पाणीर, हाथ आजान बाहु बनेगा, राम को कहा जाता है आजान बाहु, भाई पूरे ये इक्षाव विक्षवाक वंश को कहा गया है आजान बाहु सिद्धानाम, कालिदास लिखते हैं नहीं रघुवंश में, कम होते हैं आजान बाहु पर्यंत जो है, जानु पर्यंत बाहु लंबा हो, खड़े होने पर, बैठने पर तो सबके होते ही हैं, उनसे कोई बड़ी बात नहीं, पुरुष के लिए आजान बाहु और स्त्री के लिए आनितंब पर्यंत केश होना सर्वश्रेष्ठ आभूषण माना गया, पुरुष के आभूषण आजान बाहु होना, स्त्री के आभूषण आनितंब पर्यंत केश होना चाहिए, हो आजकल तो क्या है काट ही देते पहले से सन्यासी को होता है ना काटने का, औरतों को सन्यास तो ही नहीं, शास्त्र में निषेध है, वो काट ही नहीं सकते, शास्त्रीय पद्धति में बाल काटना निषेध है स्त्रियों के लिए, लंबे जितने लंबे हो जाओ होने दो उसको, जैसे महात्मा जटा पाल लेते हैं, पालो तुम भी, वो आभूषण है, तो इसलिए कहते हैं, इसे वहां आया था ना व्याकरण में सिद्धांत को, नहीं आया शुरू में ही महाभाष्य के वचन, पतंजलि महर्षि कहते हैं स्तन केशवती स्त्री लोमशह पुमान, स्तन नहीं है तो क्या स्त्री है, वो केश लंबे नहीं है तो क्या स्त्री है, स्त्री का लक्षण ये होना चाहिए, पुरुष का लक्षण लोमशह पुमान, लज्जा समन्विता स्त्री, लज्जा से युक्त होनी चाहिए स्त्री को, निर्भयता च पुरुषम, पुरुष वो है निर्भय हो, शाम देखिए भाग्य अंदर और औरत आप पत्री को बोल रहे हैं तू जा तू जा, अरे फिर तो पत्री पुरुष होगी, तू तो बेकार है, तू अंदर बैठ जा चोटिया पहन कर, निर्भयता पुरुषम इत्यादि लक्षण बताया है देख लीजिएगा, मत एक इसलिए कहते हैं आ जान देश आप्त पानी, जान देश पर्यंत प्राप्त है पानी हाथ जिसका, ऐसे होता है वो मालव योग वाला, पाणिर ना रेफ आगे दिख रहा है मा के पर मालव्यो अयम विलसति नृपः, और यह भी कहीं ना कहीं राजा के समान मजे में रहने वाला होता है, और इसकी आयु सप्ततिर वत्सराणाम, 70 साल आयु वाला यह लगभग हुआ करता है, वक्त्रं त्रयोदशमितांगुलमस्य दीर्घं त्रिज्यदशांगुलमितं श्रवणांतरालं मालव्य संजन रिपति ससुतो भुनक्ति लाटा शमालव ससिंधु सुपारी यात्रान, शक्वरी छंद है, वक्त्रं त्रयोदशमितांगुल मस्य दीर्घं, इसका चेहरा 13 अंगुल लंबा होगा, 13 अंगुल लंबा है, चौड़ा है तो कम से कम 9 अंगुल होगा, है ना, इसकी जो बनावट होता है जितना लंबा होगा उसका 2/3 से चौड़ा होनी चाहिए, उसे ज्यादा नहीं है, उसे कम भी ठीक नहीं होता,
अपनी लंबाई नाप लो और यहाँ की लंबाई नाप लो कितनी चौड़ाई है, पता लग जाएगा आप कितने विकृत हैं, सम है कि विषम है चेहरा, अपने अपने नाप लेना। और कैसा होता है उसकी सौंदर्य के बारे वर्णन कर रहे हैं, जो मालव योग में पैदा होता है, त्रयोदश मितांगुलमस्य दीर्घम वक्त्रम, 13 अंगुलों से नपा हुआ लंबाई चौड़ाई जो उसके चेहरा लंबा दीर्घम भवति, त्रयोदशांगुल मितम, देखो चौड़ाई में कितना चाहिए 10 अंगुल, 13 इधर 10, उसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। श्रवणांतरालम, और श्रवण के अंतराल, श्रवणांतरालम कानों के मध्य का जो तिर्यक अंतर है वह 10 अंगुल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैंने यहां से नापिए, यहां से यहां नापिए, ये 10 अंगुल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैंने पूरे ललाट का आधे अंक पूरे लेनी है, और लंबाई 13 अंगुल। मालव्य संजय नृपति ससुतो भुनक्ति, और मालव्य संजक ये जो संजय वाले इस योग में जो पैदा होता है वह मनुष्य भी नृपति होता है, अपने पुत्र आदि सहित तो इस पृथ्वी को भोगने वाला होगा, किस क्षेत्र का राजा बनेगा संभावना है, लाटांश लाठ देश, मालव देश, सिंधु देश और आ पारे मात्र पारियात्र नामक देशों पर्यंत के देशों में शासन करके प्रशासक होकर के भोगने वाला होता है। अब अंतिम योग आता पंचम शशक योग है, 10 और 11 उसकी अपनी राशि उच्च राशि है कि नहीं, और उसका केंद्र था त्रिकोण 7 मान तुला, यह बताया गया था। जब शनि इन जगह में रहेगा तो होता है शशक योग, इन शशक योग का फल बता रहे हैं। 11 के अक्षर का इंद्र वज्रा यहां भी, लघुर द्विजास्यो अद्रिगत सकोपः शटोति शूरो विजर प्रचार वनाद्र दुर्गेशु नदीशु सक्ता प्रियाति तिर्नाति लघु प्रसिद्ध। शशक, शशक कहते वैसे खरगोश को, नाम रखते खरगोश योग शशक योग, और इस योग में पैदा हुआ जो बच्चा है वो कैसा होता है व्यक्ति, वह उसके व्यक्ति के मुख एवं दांत छोटे होते हैं, लघुर द्विज आस्य, द्विज मने दांत, द्विज कहते हैं दांतों और आस्य मने मुख, ये कैसे होते हैं लघु छोटे होते हैं, छोटा मुख है, दांत भी छोटे छोटे हैं, और अद्रिगता सकोपो, और पर्वत में निवास करने वाला होता है, महान क्रोधी भी होगा, शठ होगा, किसको मानने वाला ही नहीं, इसे शठे शाट्यम समाचरित न्याय दे दिया, और अत्यंत बलवान है अतिशूरो, अत्यंत बलवान, विजन प्रचार निर्जन स्थानों में भ्रमण करने के स्वभाव वाला होता है, वनाधिर दुर्गेश सुसक्ता वन पर्वत नदी और किला इन जगहों में अधिक रुचि रखने वाला होता है, प्रिया तिथिर नाति लघु प्रसिद्ध अतिथियों का प्रेमी होता है, और अति लघु भी नहीं है अति दीर्घ भी नहीं है, मत अर्थात मध्यम कद वाला होगा, 5 फुट वाला होगा, 6-6.5 अति दीर्घ हो गया, अति लघु बौना 4-4.5 फुट का हो गया, उसे कम वाला, अरे 5-5.5 वाला बनेगा, मध्यम जो है ऊंचाई वाला होता है, नाति लघु प्रसिद्ध, और दुनिया में वह विख्यात भी हो जाता है, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अत्यष्टि छंद पुनः आ गया, यह है अत्यष्टि, ये मंदाक्रांता नाम का छंद है, ये 10 और 7, नाना सेना निचे निरत दंतुरश्चापि किंचित धातुर वादे भवति कुशलः चंचलो लोल नेत्रः स्त्री संसक्त परदनहर मातृभक्त सुजंघो मध्ये क्षाम सुललितमती रंध्रवेदी परेशाम। जितने 17 अक्षर होते हैं एक पाद में अत्यष्टि नामक छंद होता है, उनमें फिर प्रभेद होता है, उसे मंदाक्रांत है, नाना सेना निचय निरतो दंतुरश्चापि किंचित, ये शशक योग में उत्पन्न होने वाले का स्वभाव होता है, नाना प्रकार की सेना का समूह को संग्रह करने में तत्परता निरत रहता है,
दंतुरश्चापी, लेकिन कुछ कुछ बड़े बड़े दांत वाला हो जाता है, दंतुर होता है, दांत बाहर रहता है, करना पड़ता है बेचारे को छिपाने के लिए। अब कई लोग क्या करते हैं उसको, आजकल तो तार तूर से बंधवा देते हैं, अंदर दबा करके रखते हैं, जिस जैसे कि बाहर ना आवे ज्यादा। नहीं, बचपन में लग जाए तो धीरे धीरे पता लग जाता है, दंतुर कहते हैं उसको संस्कृत में, दंतुरहा चाप किंचित, कुछ कुछ बड़े दांतों वाला हो जाता है वो। धातुर वादे भवति कुशलहा, लोहा तांबा चांदी सोना आदि धातुओं के वाद में अत्यंत कुशल होता है, इनकी जानकारी बढ़िया रहती है उसको, कहाँ कहाँ मिलता है, कितने मिलता है, किस देश में सोना का क्या कीमत है, हमारे में क्या कीमत है, सब जानता है। अभी कुछ समय पहले आया था, ये 6 साल का बच्चा था, दुनिया भर की जितने भी कार है सबको क्या जानकारी, 5 करोड़ रुपए का कार से लेकर के 1 लाख रुपए तक करके सब रेट बता दिए उसने, अमुक देश में बनता है वहां इसका वो नाम है, उस नाम के पैसा है इसके, माने गजब बच्चा है ये तो, कारों का ज्ञाता। और ये जो कह रहे हैं ये किसका ज्ञाता होगा, कहते धातुर्वादे भवति कुशलः, धातु लोहादि जितने भी धातु होते उनके वाद के ज्ञान में अत्यंत कुशल होता है। चंचलो, और व्यवहार में अत्यंत चंचल है। लोल नेत्र, नेत्र भी ऐसा ही है, दौड़ते रहता है, कड़ाई नहीं होता, कहीं टिकता ही नहीं, घूमते रहेगा, देखते रहे, इधर देख उधर देख, देखते ही रहेगा। लोल नेत्र, लोलायमान नेत्र, स्त्री संसक्त, और स्त्री में आसक्त होने वाला है, स्त्री में आसक्त रहेगा, और पराया धन को चोरी करने वाला, परधन हरो मातृभक्त, इन माँ का परम भक्त होगा। सुजंग, सुंदर जंघाएं होंगे उसके, और बीच के जो प्रजकटी प्रदेश है अक्षाम दुबला पतला होगा। सुललित मति, इन मति जो बुद्धि है और लाट प्रदेश है वह अत्यंत सुंदर दिखता है। सुमति, सुंदर सुडौल जंघा के साथ कृषकटी से युक्त और सुदृढ़, तथा दूसरों के रहस्य के रहस्यमय दोषों को भी जानने वाला होता है। रंध्र वेद्या, रंध्रवेदी है ना, रंध्र मने छिद्र, मने दोष जो उसको जानने वाला, क्यों के दूसरों के, स्वदोष तो दिखता नहीं उसको, परदोष को दिखने में लगा रहता है हमेशा, ऐसा व्यक्ति होता है। ये भी 14 अक्षर वाला शक्वरी छंद, पर्यंक शंक शर शस्त्र मृदंग माला, वीणोपमा खलु करे चरणे चरे खा, वर्षाणि सप्तति मितानि करोति राज्यम, प्राप्तम शशाक्य नृपति कथितो मुनीन्द्रई। पर्यंक ये सब चिन्ह होगा, करे चरणे चर रेखा, कर और चरण की रेखाएं ऐसे दिखाई देंगे लगभग लगभग आपको, क्या क्या होगा, पर्यंग पलंग, बढ़िया चौकी, 4 पैर वाला बढ़िया चौकी दिखेगा पलंग को। शंख, शर मने बाण, शस्त्र, शस्त्र और अस्त्र में फर्क होता है, शस्त्र वो होते जो हाथ में लेकर के मारकाट किया जाता है, अस्त्र जो फेंक होता है, अशोक क्षेपणे धात से बना, इसलिए अस्त्र में जब फेंक किया जाए भाला और फेंक देते मार देते, आजकल मिसाइल को अस्त्र कहा जाएगा, और शस्त्र जाकर बंदूक टुक 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 करते रहेगा, ये शस्त्र है। शस्त्रास्त्र में से शस्त्र होता है मृदंग माला वीणा, इन सब के समान आकृति उपमा खलु करे चरणे चरे का, इनकी सदृश रेखाएं उसके हाथ और पैर में हुआ करेंगे। जिएगा कितना, सप्तति मितानि वर्षाणि करोति राज्यम, 70 साल तक जिएगा और राजपाठ में लगा रहेगा, कहीं ना कहीं उसको उच्च अधिकारी आदि पद मिलेगा, राज संभाल लेगा, प्रशासन करेगा। प्राप्तम शशाक्य नृपति कथितो मुनीन्द्रई, मुनि श्रेष्ठों के द्वारा, श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा इस प्रकार से शश नामक योग में पैदा होने वाला राजा के बारे में कहा गया है, प्राप्तम भवती। अब ये 5 जो महापुरुष योग बताया गया था, 5 महापुरुष योग, ये 5 महापुरुष योग का भंग कब होता है, आपको लगता है देखने में, हाँ केंद्र में ये है, राशि में है, उच्च में है, ये है, सहलो थोरो राजयोग हो गया, राजा बनने ना, 5 में देखिए राजपद मिलेगा, अमुक अमुक क्षेत्र का बन जाएगा राजा,
सैन्य में क्षेत्रों का नाम नहीं लिया लेकिन कहा वो भी राजा बनेगा। कौन से क्षेत्र का नाम नहीं लिया लेकिन बनेगा। ये सब राजयोगों के पंच महापुरुष योग हैं। लेकिन इनको देखते ही मात्र ये नहीं समझना कि यह राजयोग है, गजकेसर योग है, अमुक योग है। लेकिन ये भी देखना ऐसे कोई ग्रह तो नहीं इस योगों को काट करते हैं। कभी योग भंग होते हैं, किन से भंग होता है वो बताने आरंभ कर रहे हैं। पंच महापुरुष योग के भंग होने वाला योगों को बता रहे भंग योग। केन्द्रोच्चगा यद्य विभूषुताद्या मार्तंड शीतांशुता भवंती कुर्वन्ति नोर्वी पतिमात्म पाके यच्छन्ति ते केवल सत्फलानि। मना ग्यारह अक्षर वाला इंद्र वज्राचंद। केन्द्रोच्चगा यद्यपि भूसुताद्या, पूर्व में जैसे वर्णन किया था भूसुत मने मंगलादि, ये जो पांच ग्रह यद्यपि कहाँ है केंद्र में है, उच्च राशि में है या स्वराशि में है, ये तीन बताया गया था स्वराशि उच्च राशि अथवा केंद्र। भले ही हो यद्यपि भूसुताद्या मैंने मंगलादि ग्रह केंद्र उच्चगाहा तथापि मार्तंड शीतांश युता भवंती। यदि मार्तंड मैंने सूर्य शीतांश चंद्रमा इनसे युक्त यदि हो जाए तो कुर्वन्ति नोर्वी पतिम आत्म पाके, कहते हैं उस स्थिति में वे राजा नहीं बनाते। जहां सूर्य आ गया मंगल के साथ, बुध के साथ या चंद्रमा आ जाए इन पांच ग्रहों में, है ना, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इनको लेकर कहा था महापुरुष योग। यदि इन ग्रहों के साथ में सूर्य बैठा हो या चंद्र बैठा हो वो राजा नहीं बनेगा, रंक बन जाएगा, राजा नहीं बनाएगा ये योग उसको। नोर्वी पतिम, उर्वी पति उसको नहीं बनाएगा अपितु आत्त पाके अपनी दशा में केवल अच्छे फल जरूर दे देगा। यच्छन्ति ते केवल सत्फलानि, इस योग का कुछ कुछ अच्छा फल उसको जरूर मिलेगा लेकिन वह राजा नहीं बनेगा। यदि वह आत्मपा अपने अश्व राशि आदि में या उच्च राशि में रह रहे हो उस समय में वह अपनी दशा आ जाए, उनकी अंतरशा महादशा होते ना, जब इनकी अपनी महादशा मंगल महादशा बुध महादशा आदि आ जाए तब निश्चित रूपेण अच्छे अच्छे फल उसको प्रदान करेंगे, भले राजा ना बनाए।